रहमान रहीम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में नकली चांद। दोस्तों, पाकिस्तान में क्या दुनिया भर के अंदर जब लोग ख़रीदारी करते हैं, हाँ वो यूरोप हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, एशिया हो या बर सग़ीर हो, उनमें इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया कुछ ऐसी होती हैं जिन पे वारंटी नहीं दी जाती, मतलब चेक कराएं, चेक करा के उनको बता दिया जाता है कि इसकी वारंटी नहीं होती। और कुछ अशिया ऐसी होती है जिनमें ख़ास तौर पे, क्योंकि हम जिस इंडस्ट्री की नुमाइंदगी करते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड है, उसमें मोबाइल है, एलईडियां हैं, डिस्पेंसर है, फ्रिज है, एसी है, माइक्रोवेव है, वॉशिंग मशीन है और दुनिया की बहुत सारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया में चीज़ें आती हैं वो मौजूद होती हैं उस कैटेगरी में, जिसको फ़रोख्त करते हुए ये बताया जाता है कि जनाब एक साल की इसकी वारंटी है। कुछ लोग उसको वारंटी को गारंटी समझते हैं, जैसे कि दुनिया में मैनी बैग गारंटी दी जाती है कि अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आए तो आप अपने पैसे वापस इस्तेमाल के बाद भी ले सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में तो इन दिनों बिलखसूस बड़े शहरों में भी इसकी वबा बहुत बुरी तरह फैल गई है कि वारंटी होती है, लेकिन ये बात तो मोबाइल में समझ में आती है कि जनाब टच की और एलईडी की यानी एलसीडी जिसे कहते हैं वारंटी नहीं होती, लेकिन दीगर अशिया की जो वारंटी दी जाती है उसमें कस्टमर जब जाता है उसके साथ जो सलूक किया जाता है घंटों के हिसाब से, बहुत सारे सर्विस सेंटर पाकिस्तान में इस वक्त मोबाइल के मुख्तलिफ ब्रांडों के जो काम कर रहे हैं, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया के जो सर्विस सेंटर के नाम पर काम किया जा रहा है बहुत सारी प्रोडक्ट्स में, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। और बहुत सारी ब्रांड होम अप्लायंसेस में ये हैं कि उन्हें आपने बुला के तलब किया तो वो सर्विस चार्ज वसूल करते हैं आपसे। दोयम, अगर आप उसको पहुंचाएंगे खुद, मिसाल के तौर पर फ्रिज है या डीप फ्रीज़र है या एसी है, वो घर पे आ गए तो उनकी मेहरबानी है, वरना आपने पहुंचाना खुद है। और बहुत सारे सर्विस वारंटी के नाम पर, सर्विस चार्जेस के नाम पर पैसे वसूल करते हैं। ये सिलसिला बहुत अरसे से चल रहा है और कुछ के सर्विस सेंटर एलईडियां हैं, जैसे एलसीडी किसी ज़माने में कहलाते थे, अब एलईडियां हैं, उनके सर्विस सेंटर बड़े शहर छोटे शहरों में तो यकीनी तौर पे नहीं होते, वो किसी वाया से पहुंचते हैं, लेकिन बड़े शहरों में भी उनका हेड ऑफिस भेजना पड़ता है जो मखसूस शहरों में होता है। मोबाइल सनत में तो आवा का आवा ही लगता है कि गड़बड़ से घोटाले में शरीक कार है, वहाँ चले जाओ, अगर बदकिस्मती से आपकी मोबाइल गिर गया है, उसकी एलईडी टूट गई है, वो एलईडी आपको अगर बाहर मार्केट में ख़रीदारी करने जाएंगे, मिसाल के तौर पे 10,000 रुपये की है, लगा के वो दे रहा है 10,000 रुपये की, तो वहाँ 25,000 रुपये मांगे जाते हैं और जवाब ये दिया जाता है ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल वहाँ से भी मिलती है। दो कैटेगरीज होती हैं एलसीडी की मोबाइल की, जिसमें एक हल्की, बल्कि तीन होती हैं, हल्की, भारी और ओरिजिनल जो काम करती है, उसके हिसाब से पैसे लिए जाते हैं। उन्हें कहा जाता है ये जी ये अच्छा, अब आप जमा करा दें, जमा करा दिया जी, वो हमने ऑर्डर दिया है मंगवाने के लिए, जब आ जाएगी तो आपसे टच कर लेंगे। ओ भाई, जो मॉडल आपने रिलीज़ किया उसकी स्टॉक में क्यों नहीं है आपने
इसके पार्ट्स मंगाए और वारंटी भी फिर उसमें ख़त्म कर देते हैं, तो बाहर से ही ना करा ले आदमी, आपकी क्या ज़रूरत है, लूट रहे हैं आप बैटरियों के अंदर। इस नाचीज़ को भी थोड़ा सा वास्ता पड़ा, एक बैटरी हमारे कस्टमर की जो है वो मार्केट में लगा के 1100 रुपए की, मुतलका इदारे में जब मैं खुद ज़ाती तौर पे गया तो 4200 रुपए की थी। सर आप फ़र्क तो देखें, 4 गुना दाम, 400 गुना प्राइस, लूट का भी एक हद। इसी तरह बहुत सारी चीज़ों में हमारे 2-3 बड़ी कंपनी, चाइनीज़ मारो ब्रांड है जो पाकिस्तान में एंट्री कराया चुका है सबसे पहले, उसके सर्विस सेंटर में जाके देख लें, शाएं शाएं कर रहा है। क्यों? लोग आते हैं उनको कहते हैं जी हम जमा कर लें, 1 महीने बाद आपका नंबर आएगा, 2 महीने बाद, पार्ट्स ही नहीं है जी। आप मेरी बात को छोड़ें, डीलर्स हमारे सब इस बात से वाकिफ़ हैं कि उनके कस्टमर आते हैं, फिर डीलर्स के लिए कोई एडवांटेज नहीं रखा हुआ। इस नाचीज़ की अपील पे M&P वाहिद इदारा है जिसने अलहदा काउंटर खोला था उस वक्त जब मैंने ये खबर चलाई थी कि डीलर्स के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी होती है, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर जाती होते हैं, वो चेहरे पे लेते हैं कि जो आपने दे दिया वो हम ख़रीदारी करेंगे, सर्विस और ख़राबी की जिम्मेदारी आपकी होगी। तो दुकानदार खुद लेके जाता है, उनको कहता है आप हमसे ले लीजिएगा। तो यहाँ ज्यादती है, पैसे की लूट मार का बाजार गर्म है, फिर महीनों के हिसाब से टाइम दिया जाता है। अगर छोटा सा काम है जो आधे घंटे में हो सकता है, उसको भी 2-3 दिन लगाते हैं। कोई बंदा दूर से आता है, आने जाने के चार्जेस देता है, कभी मोटरसाइकिल पे आता है तो मोटरसाइकिल उड़ जाती है, उसके चार्जेस भुगतता है। ये सर्विस सेंटर अगर न्यूट्रल हैसियत से मैं गुफ्तगू करूं, और हमारे दोस्त बहुत सारे सर्विस सेंटर इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड के मिसबा खाने बने हुए हैं, कसाई खाने बने हुए हैं, लोगों को काटने के लिए बने हुए हैं, शिकायतें बेतहाशा मेरे पास आ रही हैं। जनाब एक साहब जिनका सर्विस सेंटर एक दुकान में कराची के अंदर है, पूरे सिंध बलूचिस्तान में वो माल दे रहे हैं, वहाँ से माल इधर आएगा छोटे फ्यूचर फोन। एक साहब ने इदारा खोला हुआ है, बड़ा बड़ा नाम कहते हैं, वो पंजाब के अंदर बैठे हुए हैं, यहाँ से वो वहाँ जाएगा, वहाँ से वो कितने दिन में वापस आएगा। वो भाई जो आपको 2% 4% एक्स्ट्रा मिल रहे हैं गरीब आदमी को, दे दो ना उसमें से निकाल के किट, उसकी किट बदल दो, बोलो जी नया ले लो, वक्त बचाओ, इतने से 200-400 वसूल कर लो उनसे। मगर नहीं, वो जाएगा थ्रू प्रॉपर चैनल। हद तो ये है कि बहुत सारे कंपनियों के जो काउंटर क्लेम सेट होते हैं उनके लिए भी जूतियां गिर जाती हैं कंपनियों की तरफ से। 7 दिन में जो रिपेयर किए बगैर पीस बदलने का पुरकशिश नारा है, वो भी मांद पड़ता जा रहा है। तो आंखें खोलें सर, लोगों के साथ हकूक व लिबाद में जवाब देना है आपको, मुझको, सबको अपने हिस्से का दिया जलाना चाहिए। बहुत सारी हैं, बहुत सारों को मैं जो है ना नाम के साथ चलाऊंगा, अगर इदारे को नहीं, मैं खुद चेक कर रहा हूँ आजकल मुख्तलिफ इदारों में सर्विस सेंटर। तो प्लीज़ ज़रा, सब ऐसे नहीं हैं, लेकिन जो हैं वो अपना किबला दुरुस्त कर लें। बहुत खबरें हैं, लेकिन आपसे अपील वही है, घिसी पिटी, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ़ी अमानुल्लाह।